Hey guys, welcome back to Leaders Venue. और आज हम लोग यूनिट 1 का सेशन 3 क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग सेशन 4 भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा थियरी से। व्हाट इज अ टेम्पलेट? तो उसकी डेफिनेशन आती है इतनी, अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। सिंपल, बहुत ही सरल, ठीक है। अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, इफ योर स्कूल मेक्स योर स्कूल वर्कशीट्स व्हिच हैव सेम लेआउट इन ऑल विद इट्स लोगो एंड एड्रेसेस। हम लोग देखते हैं ना, हमारी स्कूल की वर्कशीट्स होती है, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, उसमें एक ही चीज लिखी होती है पर उसमें स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं और वो सब कुछ बेसिक डिटेल्स में चेंजेस होती है, जैसे आपका नेम है वो सब कुछ में चेंजेस होते हैं। तो हर एक के लिए पर्सनली अलग अलग नहीं बनाया जाता, पहले ही एक टेम्पलेट डिजाइंड होता है, उसमें सिर्फ कंटेंट लिखा जाता है, आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, सिर्फ वही चीजें लिखी जाती है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता। तो वो एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। सो अ टेम्पलेट कैन कंटेन्स टेक्स्ट, हेडिंग, फुटर, ग्राफिक्स, अ सेट ऑफ स्टाइल्स, डिफॉल्ट प्रिंटर, लैंग्वेज, टूलबार सेटिंग्स एंड मेनी मोर सच थिंग्स। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे दो तरीका देखेंगे कि कैसे टेम्पलेट को बनाया जाता है। एक है कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट से बनाया जा सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल में पक्का पूछा जा सकता है, और विजार्ड से कैसे बनाया जा सकता है ये आपको प्रैक्टिकल में नहीं पूछा जाएगा पर थियरी में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले आपके ओपन ऑफिस को ओपन करना होगा और वहाँ पर थोड़ी एडिटिंग करनी होगी। तो चलिए ओपन ऑफिस में चलते हैं। हम लोग ओपन ऑफिस के स्क्रीन में आ चुके हैं और अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन हो जाता हूँ बोल्ड और यहाँ से मैं इसको 18 कर डालता हूँ और फिर मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ रीडर्स मेन्यू। हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल नेम होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन का, आपका स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नेम या फिर देखते हैं हम लोग कुछ भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप कंटेंट में डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ 9995678 9। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया और मैं इसके नीचे एक लाइन खींच देता हूँ शिफ्ट दबा के। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा एक टेम्पलेट। मतलब अभी हम लोग कभी भी न्यू डॉक्यूमेंट खुलते हैं और उसमें हमको कुछ भी एडिटिंग करनी हो तो हमारे लिए यही खुलना चाहिए और इसके ही नीचे हम लोग अपना कंटेंट डालना चालू कर सकें। तो मैं पहले इस चीज़ को एक स्टाइल बना देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कि स्टाइल सेव हो रही है या नहीं। तो मैंने इसको स्टाइल दे देता हूँ हेडिंग और टेम्पलेट। हमने पढ़ा था कि फिर टेम्पलेट में स्टाइल्स भी आ जाती है, तो हम लोग वो देखेंगे कि इसमें सही में आ रही है या नहीं। ओके, मैं ओके करके सेव कर देता हूँ। हेडिंग फॉर टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सेव करनी है अपने टेम्पलेट को। कैसे? फाइल में जाना है, टेम्पलेट चूज करना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपको आपके टेम्पलेट का नेम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट का नेम दे रहा हूँ टेम्पलेट विद नंबर, ठीक है। मैंने ऐसे ही दे दिया अभी कुछ भी नेम, ठीक है। आप यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट का कुछ भी नेम दे सकते हो। फिर यहाँ से आपकी कैटेगरी चूज कर सकते हो, आपको कहाँ पे रखनी हो आपकी टैंपलेट को। तो मैं माई टैंपलेट्स में ही रखने को सजेस्ट करूँगा और फिर आपको ओके दबा देना है, ठीक है। आपने ओके दबा दिया, आपकी टैंपलेट सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, वापस टैंपलेट्स में जाना है एंड ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है। आप ये करते हो उस वक्त माई टैंपलेट्स के ऊपर डबल क्लिक और टैंपलेट विथ नंबर के ऊपर, मतलब आपने जो भी टैंपलेट का नेम रखा हो उसके ऊपर क्लिक करके कमांड्स में यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये करते हो आपकी टेम्पलेट डिफॉल्ट में सेव हो गई है। उसके बाद क्लोज करिए और फिर आप न्यू टैब यहाँ से खोल सकते हो या कंट्रोल एन भी दबा सकते हो, न्यू राइटर इन शॉर्ट। ओके, तो मैंने फाइल पे जाके न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुद से ही यहाँ से ही कंटेंट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एक टेम्पलेट का यूज करेगा एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब ये तो डिफॉल्ट हो गई, अब इसको हम लोग रिमूव कैसे करें? तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ और मैं आ गया अपने ओरिजिनल में। वापस फाइल में जाना है, वापस टेम्पलेट्स में जाना है, वापस ऑर्गेनाइज में जाना है, माई टेम्पलेट्स के ऊपर डबल क्लिक, नहीं ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली कमांड्स में जाके रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट, उस पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, क्लोज कर दो, फाइल में जाओ, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर ये काम आपके कंप्यूटर में नहीं करता है सिंपली आप यही एक्टिविटी को वापस कर देना, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके वापस से ही उसको कमांड को एग्जीक्यूट कर देना तो फिर वो काम कर जाएगा, दो में बहुत बार काम नहीं करता। राइट, तो ये था हम कैसे डॉक्यूमेंट से बनाया जा सकता है।
अब विजार्ड से कैसे बनाया जा सकता है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। फाइल में जाना है विजार्ड्स, और विजार्ड्स में जाके सिर्फ लेटर है, इनफैक्ट थियरी में भी सिर्फ आपको लेटर के बारे में पूछा जा सकता है। लेटर के ऊपर क्लिक कर दो, एक न्यू विंडो खुलेगी जिसमें आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये है इसका बेसिक लेआउट। ऑलराइट, ये है बेसिक लेआउट, और फिर आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। मॉडर्न ऑफिस यूज लेटर पेपर विथ प्री प्रिंटेड एलिमेंट्स, और फॉर्मल पर्सनल लेटर आपको क्या करना है, मॉडर्न है या कैसे करना है, ऑफिस यूज के लिए है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट करते अगर आप यहाँ से हर चीज़ को एडिट कर सकते हो। ये मतलब कहीं पे आपको पूछा नहीं जाएगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी के लिए। ऑलराइट, ये थियरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस चीज़ को भी डिलीट कर देता हूँ, और अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, ये सेशन यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, और फिर आता है सेशन 4 जो कि है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। बड़ा ही भयानक शब्द, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मजेदार चीज दिखाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी बुक में आप देख लो, कोई भी बुक हो उसमें आपको इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स को ही टेबल ऑफ कंटेंट्स कहा जाता है। ऑलराइट, इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स दोनों सेम ही होता है। ऑलराइट, बेसिकली हियर वी विल लर्न हाउ टू मेक इंडेक्स इन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। मैंने पहले ही ये लिख लिया जो कि बहुत ही घुमा फिर के टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। इन ओपन ऑफिस वी हैव डायरेक्ट फीचर टू मेक टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है। ऑलराइट, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया जा सकता है, पर उससे पहले हमको कुछ कंटेंट्स चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। राइट, सबसे पहले इतना इतना करना होगा। ऑलराइट, सो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख लिए हैं, मतलब कुछ कंटेंट यहाँ पे लिख लिया है। अभी क्या करना है आपको, सिंपली इन सारी मतलब ये जितने भी ब्लैक बोल्डेड है या फिर जितने भी हेडिंग्स है, टाइटल्स है, ठीक है, उन सबको मैं यहाँ पे एक टाइप से हेडिंग 1 दे दूंगा। ऑलराइट, तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि हम लोग कैसे मल्टीपल चीज़ों को हेडिंग दे सकते हैं। फिल फॉर्मेट मोड का यूज करके हम लोग कर रहे हैं हेडिंग 1। हम लोगों ने सारी चीजों को फिल फॉर्मेट मोड से एक टाइप से हेडिंग 1 दे दिया। ऑलराइट, अभी मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करूंगा। ठीक है, कैसे किया जाता है, इंसर्ट में जाना है, सिंपल इंसर्ट में जाना है, आपको इंडेक्सेस एंड टेबल दिखेगा, वापस यहाँ पे इंडेक्सेस एंड टेबल दिखेगा, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एक न्यू विजार्ड खुल जाएगा जो कि ये रहा, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ, क्या कैसे मतलब आपको क्या लिखना है, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मेक टेबल ऑफ कंटेंट या मेक इंडेक्स, उसे आप कब लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे इंडेक्स लिखना था, मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा, पर मुझे इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे जैसे बोला गया होता कि टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, तो मैं इंडेक्स की जगह पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखता हूँ। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि इंडेक्स बनाइए, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना होगा, पर अगर आपको बोला गया है टेबल ऑफ कंटेंट बनाइए, तो यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। कोई फर्क नहीं है, मतलब ये जो हेडिंग दिख रहा है यहाँ पे ही चेंजेस आएगा। हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट से भी काम करते हैं, टाइप कौन सी है, तो यहाँ पे आपको यही चूज करके रखना है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, यानी कि यहाँ पे जो भी बनेगा ऐसा टाइप का उसमें आपको खुद से चेंजेस कुछ करने हैं या फिर वो जो ऑटोमेटिकली हो वही आपको रखना है। तो हम लोग रखेंगे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, और कितने पूरे डॉक्यूमेंट के लिए करना है या एक चैप्टर के लिए करना है, तो हम लोग कहेंगे एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए कर डालो, हमको मेहनत ज़्यादा नहीं चाहिए। क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन एडिशनल स्टाइल्स इंडेक्स मार्क, किधर से आपको बनाना है, तो ये एज नॉर्मल रखना। फिर ये सारी टैब्स को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ओके करके देख लेते हैं आया कि नहीं। आ गया, पेज नंबर के साथ आया, यानी कि ये सारी ही चीज़ें एक ही पेज में फिट हो गई है। यूजिंग इंडेक्सेस एंड टेबल टैब, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। सेटिंग बेसिक एट्रीब्यूट्स, ये रहा। एडिंग अ टाइटल, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, असाइनिंग, यही सब कुछ है यहाँ पे, ये सेम चीज़ है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो बैकग्राउंड इतना गंदा सा है, तो ये बैकग्राउंड अगर आप इसको प्रिंट करते हो या आप इसको कहीं पे और मतलब आपके पेपर में प्रिंट करते हो या PDF में प्रिंट करते हो, तो ये वाइट ही आ जाएगा, अभी के लिए सिर्फ ये ऐसे लगेगा। अभी मैं इधर चेंजेस करने चाहता हूँ, ठीक है, नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडिट, एडिट इंडेक्सेस एंड टेबल, उसके ऊपर क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। इसको मैं अनक्लिक करता हूँ, अनचेक करता हूँ, और फिर ओके दबाता हूँ। अब मैं इधर खुद के चेंजेस कर सकता हूँ, मैनुअल चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे मुझे ये जैसे कि इरेज करना है, और इसके जगह पे लिखना है स्मॉल टाइटल, ठीक है, मैंने टी को स्मॉल कर डाला, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, पर मुझे नहीं करना। अपडेट करता हूँ और फिर
एडिट करके इसको चेक करके ओके दबा देता हूँ। ऑलराइट, अब सेफ्टी के लिए आप लोग उस चीज को चेक्ड ही रखना, उसमें अनचेक मत करना। ऑलराइट, मैं यहाँ पे अब हम लोग दूसरे टैब्स के बारे में देखेंगे, तो वापस एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स, ये सारी चीजों का देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, आपको कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए इंडेक्सेस एंड टेबल के लिए। मैं चूज करता हूँ ग्रे, ओके करता हूँ, यहाँ पे ग्रे कलर आ गया। सिमिलर वे में मैं एडिट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ऑरेंज डाल के देख लेते हैं, ऑरेंज आ गया। समझ गए कि कैसे बैकग्राउंड कलर काम करते हैं, एडिट। और फिर और एक ऑप्शन होता है कि आपको अगर कोई इमेज यूज करना हो तो आप यहाँ से इमेज पे क्लिक करके ब्राउज करके ओके दबा दीजिए, वो इमेज आ जाएगा बैकग्राउंड फॉर्मेट में। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर देखते हैं कॉलम्स क्या है। तो कॉलम्स आप एक कॉलम में देख रहे हो, अभी ये एक कॉलम में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मुझे दो कॉलम्स पे चाहिए तो क्या, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। आपको समझ आया दो कॉलम में कैसे, आधा इस साइड और आधा इस साइड, ये है दो कॉलम में कैसे करना है। फिर वापस हम लोग एडिट करके इसको वन कॉलम ही कर डालते हैं, ओके। फिर से एडिट और स्टाइल्स में आपको यहाँ पे लेवल्स दिखेंगे कि कौन सा लेवल कौन सी चीज़ बनेगी, तो फिर वो आप यहाँ से चेंजेस करने हो तो आप देख सकते हो। एंट्रीज में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है जो कि समझ तो आएगी नहीं, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और नीचे चले जाते हैं हमारे सेशन में, आ गए हम लोग। तो आपको ऐसा कुछ दिखा होगा, ऑलरेडी हमको ऐसा कुछ दिखा था। तो ई हैशटैग मतलब क्या, तो वो होता है चैप्टर नंबर, जो कि हम लोगों में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट में चैप्टर नंबर नहीं दिया, तो फिर ये चैप्टर नंबर का एक्चुअल में कोई काम है नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ई मतलब क्या, एंट्री टेक्स्ट उसका मतलब क्या, तो फिर एंट्री टेक्स्ट का मतलब ये, देखिए मैं इसको पहले कैंसिल कर देता हूँ, ये जो है यही कंटेंट यहाँ पे आया है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये एक कंटेंट टेक्स्ट है, ठीक है, ये एक एंट्री टेक्स्ट है। ऑलराइट, तो वो होता है एंट्री टेक्स्ट, सिंपल। ई क्या होता है वो हम लोग समझ गए, बट टी क्या होता है, तो टी होता है टैब स्टॉप, ये लाइन दिख रही है ये होता है टैब स्टॉप। ऑलराइट, अब हम लोग देख लेते हैं पेज नंबर हैशटैग, ठीक है, हैशटैग मतलब पेज नंबर। हम लोग केमिस्ट्री में भी देखते हैं हैशटैग, एटॉमिक नंबर को हम लोग एटी डॉट हैशटैग लिख लेते हैं बहुत बार शॉर्टकट में, तो वैसे याद रखना हैशटैग मतलब नंबर, पेज नंबर। ऑलराइट, तो पेज नंबर हम लोग को दिख रहा है ये रहा। अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ एडिटिंग करनी हो आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, फिर सिंपली यहाँ पे जाके अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, हो गया टू। ये पेज नंबर टू में है इसलिए यहाँ पे टू आ जाएगा, ये है पेज नंबर वाला कॉलम। ऑलराइट, एल एस यानी कि स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक और एल ई मतलब एंड ऑफ हाइपरलिंक। एक चीज याद रखना जो कि यहाँ पे भी लिखा गया होगा, नोट, इफ यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक यू मस्ट इंडिकेट बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द लिंक। कोई भी चीज को स्टार्ट करते तो उसको खत्म करना चाहिए, बहुत बार सुना होगा। सेम है यहाँ पे, अगर आप हाइपरलिंक को एक्टिवेट करते हो तो आपको उसको एंड भी करना होगा। ऑलराइट, हाइपरलिंक को स्टार्ट करते हो तो उसको एंड भी करना होगा। तो ये स्टार्ट होती है हाइपरलिंक की, हाइपरलिंक मतलब क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर ये मुझे ऐसे यहाँ पे लेके आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ दिखना चाहिए मुझे। ऑलराइट, अगर मैं ये वाला इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर ये मुझे यहाँ पे लेके आ जाना चाहिए। देख लेते हैं कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, फिर यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रही है ऐसे बक्सा वाला, उसके ऊपर क्लिक करके हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑलराइट, अभी अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूँ मैं, ओके, ऐसा नहीं करना, आपको नहीं करना, वापस करो, ये सब मत करना, फिर ओके दबा देना, कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर राइट क्लिक करना, एडिट, आपको एंड भी तो करना है, तो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक को एंड कर देना है, ओके दबा दो, फिर ओके, अब काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया कंट्रोल प्लस क्लिक, मैं कंट्रोल दबाया हूँ और उसके बाद क्लिक किया, आ गया मैं यहाँ पे, ये सेकेंड पेज पे है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। तो ऐसे यूज होता है हाइपरलिंक। अगर ये आप में एक बार में नहीं होता आपका पूरा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेना, काम करने लगेगा। ऑलराइट, सो ये था हम लोग कैसे हाइपरलिंक के साथ काम करते हैं। सो ये था टेबल ऑफ कंटेंट्स का सारा काम, हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लिया। तो अपडेटिंग और डिलीटिंग रह गया हमारा मेन काम, डिलीट कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग गड़बड़ तो करेंगे तो डिलीट करना आना चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड से वापस भी ला सकता हूँ, गलती से डिलीट हो गया और कंट्रोल जेड दबा देना। राइट, तो हो गया डिलीटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स।
अब आता है सेशन 5 इंप्लीमेंट मेल मर्ज, जो कि आपको थियरी में ही आएगा। मतलब आपको दिख जाएगा कि सीबीएसई वालों ने ये कहा है कि मेल मर्ज आपको प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं, बट ये काम ही नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकली पूछने की बात ही नहीं होती। ऑलराइट, अगर आपको आप लोगों को अगर ये चाहिए इसका प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल, तो फिर आप कमेंट डाउन कर देना, तो फिर हम लोग करवा देंगे, नहीं तो फिर ये चाहिए नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स में नहीं चलता, ये इसका मेन रीज़न है। तो इसमें आपको मेन चीज़ पूछी जाएगी, मेल मर्ज होता क्या है, उसका यूज़ क्या है, ख़त्म ख़त्म। मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स दे रखे हैं, पर उसका भी कोई काम नहीं आएगा आपको। राइट, तो मेल मर्ज द ऑटोमेटिक एडिशन ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस फ्रॉम अ डाटाबेस टू लेटर्स एंड एनवेलप्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सेंडिंग मेल स्पेशली एडवर्टाइजिंग टू मेनी एड्रेसेस। ऑलराइट, यू कैन यूज मेल मर्ज इन प्रिंटिंग लेटर्स फॉर मल्टीपल यूजर्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस एट द सेम टाइम। हम लोगों को पता है कभी कभी स्कूल से इन्विटेशन आता है कि डियर रावल, मतलब आपका जो भी नेम हो, डियर योर नेम, डियर डियर राजकुमार, कॉमा, उसके बाद आपको डिटेल लिखी जाती है कि फिर यू हैव योर पेरेंट्स टीचर मीटिंग एट दिस डेट। तो उसमें आपको क्या लगता है, टीचर हर एक नाम खुद से डालते होंगे? नहीं, वो लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, मेल मर्ज का यूज़ कर रहे होते हैं। और जो कि बहुत ही आसान में चुटकियों में आपका काम कंप्लीट कर देंगे। मतलब आपने एक ड्राफ्ट बना दिया ऐसा डियर, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया, फिर आपको रिमेंबर दैट ये जो भी आपको कंटेंट लिखना हो, रिगार्ड्स क्लास टीचर लिख लिया, इसकी जगह पे क्लास टीचर लिख लिया, और बीच में आपका पेरेंट्स टीचर का इन्फॉर्मेशन, डियर के बाद स्पेस करके यहाँ पे आपका नेम खुद से आ जाएगा। अब जब मेल मर्ज यूज़ करोगे तब, ये है सिंपल यूज इसका। तो आप लिख सकते हो इनवाइटिंग समवन, एडवर्टाइजिंग, सेंडिंग ईमेल्स, ये सारे इसके यूजेज हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना मेल मर्ज भी समाप्त कर लेते हैं। ऑलराइट, बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। आपको अगर ये सीखना हो आप कमेंट कर लेना, उसका भी वीडियो हम लोग बना देंगे। ऑलराइट, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आपको यहाँ पे मतलब अगर आप इससे चाहो तो आप इधर से भी कंप्लीट, मतलब अच्छे से इसको देख देख के भी कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। कमेंट करना अगर कोई सजेशंस हो तो, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट कर देना, और लाइक शेयर एंड श्योरली सब्सक्राइब, क्योंकि इसके आगे के भी चैप्टर्स आने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।